गाइस बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज मैं जब मेडिकल शॉप जा रही थी, आई लिव इन पंजाब बस्ती, तो मैंने देखा एक पोमेरियन डॉग लीश लगा के बांधा हुआ था एंड ही वॉज बार्किंग। मैंने देखा इतनी गर्मी है आज, आप सबको पता ही होगा दिल्ली में अभी गर्मी बढ़ चुका है, बहुत ही हद से ज़्यादा गर्मी है। एंड बेचारे को बाहर इतनी गर्मी में रखा हुआ था और उसके पास पानी का कोई बॉल भी नहीं था, एटलीस्ट पानी का बॉल तो रख देते और यू कैन डू। अभी यार इतना गर्मी है, प्लीज़ अपने डॉगीज को अंदर रखो यार, पंखे के नीचे रखो, मतलब जो भी हो, अपने घर में कूलर है, कूलर थोड़ा चला के रखो, जो भी करो अंदर रखो, बाहर बहुत गर्मी है। और प्लीज़ पानी का बाउल प्लीज़ ज़रूर रखना अपने डॉगीज के पास। अगर आप डॉगी पाल नहीं सकते, अगर आपको डॉगी ऐसे बाहर रखना था तो क्यों लिया। जो मैंने देखा वो एक पोमेरियन था एंड ऑनर ने बाहर रखा हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा ये देखे। तो प्लीज गाइस, गर्मी बहुत है दिल्ली में, बहुत गर्मी है, अपने डॉगी को लीश लगा के बाहर मत छोड़ो, घर के अंदर रख दो कुछ टाइम के लिए, और बॉल जरूर रखना, पानी का बॉल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर लुपसांग। हाउ वाज था यार, ओ माय गॉड, गाबी मिशन बाय द चैनल, यू नो आई बीन वाचिंग someone else vlog and they were doing this again and again, तो मैं भी यही कर रहा हूँ, sorry for that. Anyways, hi guys, this is your love song. If you're new to my channel, please subscribe and also like and share my videos. Okay, so अभी रात के बच्चे हैं 12 and I am hungry. मैंने वैसे आज दिन भर कुछ भी नहीं खाया है again. वेल मैंने आज क्या किया, देखो मैं आज मैंने रेड बुल पिया है, मैंने फिर स्टारबक्स पिया है, दैट्स इट, पिया है आज मैंने कुछ खाया नहीं है। एंड आई गॉट दिस क्रोसेंट, इट्स अ चिकन क्रोसेंट, मेरे बहुत मतलब काफ़ी टाइम से मैंने क्रोसेंट नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज मैं क्रोसेंट खा लूँ, तो वीडियो है अर्बैनिक हॉल। तो मैंने अर्बैनिक से कुछ सामान लिया था, मैंने कुछ शॉपिंग किया है अर्बैनिक से जो कि आ चुकी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूं। एक मिनट, पहले कुछ थोड़ा खा ले दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या अर्बैनिक से शॉपिंग किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस, मेरे कोल अभी तक ठीक नहीं हुआ है वैसे भी। ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई गॉट माई सेल्फ इज दिस, क्या बोलते हैं, पैंट, स्किनी पैंट, नीचे से बेल बॉटम है। एंड मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा एंड ऑल्सो द बटरफ्लाइज, मेरे को ना ये बटरफ्लाइज, मिक्की माउस ऐसे ना मुझे बहुत पसंद है। बट एक प्रॉब्लम हुआ है इसमें, द थिंग इज आई ऑलवेज ऑर्डर द रॉन्ग साइज। मैं हमेशा लार्ज मंगाता हूँ या फिर एक्स्ट्रा लार्ज मंगाता हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि जब भी आप कुछ कपड़े नया लोगे ना, अगर आप ज़्यादा छोटा लोगे ना, छोटे को बड़ा नहीं कर सकते आप अपने कपड़े को। अब देखो मैंने एक्स्ट्रा लार्ज लिया है, अब मैं इसको छोटा कर सकता हूँ अपने साइज़ के हिसाब से, तो मुझे नहीं पता कि मेरा साइज़ क्या है ऑनेस्टली, क्योंकि कभी कभी मुझे लार्ज आता है, कभी कभी मुझे मीडियम आ जाता है, कभी कभी मुझे स्मॉल आ जाते हैं, तो वो अलग अलग से होते, तो इसलिए आई हैव नो आइडिया था कि मेरा साइज़ क्या है। तो मैंने गलती से इसको मैंने एक्स्ट्रा लार्ज मंगाया है,
एक्सेल एंड ये बहुत ही ज्यादा लूज है. मैं कल फिटिंग करवाऊंगा इसको, मैं फिटिंग करवाऊंगी. एंड इट्स सो प्रिटी. इसका प्राइस क्या है मैंने यहाँ साइड पे डाला है, तो है ना, ये पैंट मुझे बहुत पसंद आया. ओके सो द नेक्स्ट थिंग आई गॉट माई सेल्फ इज दिस ड्रेस. इट्स अ वेरी सिंपल ड्रेस. मुझे यहाँ से ऐसे ये यहाँ से सामने से ऐसा कट कट नजर आ रहा था, ये मेरे को थोड़ा सा क्यूट लगा. इट्स अ वेरी सिंपल ड्रेस और इसका मैंने साइज मंगाया है. इसका मैंने अभी देखा नहीं पहन के, तो साइज क्या है इसका, मैंने साइज लार्ज मंगाया है. इट्स अ ड्रेस. It's a dress. It's a dress. Okay. So again, I got myself pant. Urbanic से मैं ये pant लिया है. And again, मैंने गलत size. इतना अच्छा है ना, लबसा हमेशा गलत size मंगाती है. Okay. So this is large. और ये बहुत मेरे लिए बहुत loose है. बहुत ही ज़्यादा loose है. आप देख ही सकते हो कमर कितना बड़ा है, तो मुझे फिटिंग करवाना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली करना पड़ेगा. देखो एंड नीचे से बेल बॉटम. आजकल यू नो आई लाइक वियरिंग वाइट लाइक जीन्स, वाइट लाइक पैंट. यू नो अब चूज पहनने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं रहेगा. तो यार अल्बैनिक से ये पैंट लिया. एंड बाय द वे मुझे जब मैंने ये ऑर्डर किया था आई थॉट इट्स अ जीन, बट ये जीन्स नहीं है, ये कपड़ा वाला है, कपड़ा वाला पैंट है जो बहुत पतला वाला होता है ना, पतला वाला. ये जीन्स नहीं है, जैसे जीन्स का एक क्वालिटी होता है ना मोटा वाला, वो ये जीन्स नहीं है, ये पैंट है तो पतला भी है ये. बट हाँ मेरे को ये सुंदर लगा, ये सुंदर भी है. अब इसको फिटिंग करवाऊंगा अगेन. ओके सो the next thing I got myself is this two piece set, orange color. And मैंने यहाँ पे भी मैंने गलती कर दिया है, मैंने मंगाया है इसको extra large. I don't know मैं क्या सोच रहा था जब मैं ये सब ऑर्डर कर रहा था. साइज आई शुड हैव ऑर्डर मीडियम आई गेस, है ना. बट अगेन आई एम नॉट श्योर कि साइजिंग, बहुत सारे कपड़ों का साइजिंग अलग अलग आते हैं, तो इसलिए. तो ये है एक्स्ट्रा लार्ज, ये बहुत बड़ा है, मुझे ऊपर तक बहुत बड़ा पड़ रहा है एंड नीचे का तो और भी बड़ा है. देखो ये पैंट है, ये टॉप एंड पैंट और ये नीचे ऐसे बेल बॉटम आ गया है. सो एंड नेक्स्ट आई गॉट माई सेल्फ विद दिस ड्रेस जो मैंने पहन लिया है कल. बहुत प्यारा ड्रेस है ये, ब्लू कलर की. इट्स अ रैप ड्रेस. ये देखो ड्रेस है ऐसे एंड इसको यहाँ से रैप करनी होती है, ऐसे करती हूँ. और ये मैंने साइज सही मंगाया है. मैंने इसका साइज क्या मंगाया था आई डोंट रिमेम्बर. देखो मैंने इसका टैग भी निकाल दिया, तो क्योंकि ये मुझे बिल्कुल मतलब आ रहा है, अच्छा आ रहा है, समझ रहे हो ना, फिटिंग आ रहा है. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. ये ड्रेस बहुत थोड़ा लाइट कलर है बट बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है ये ड्रेस. And again, I got a dress, a blue dress. So, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ. ये वाला dress, this blue dress, ये no doubt बहुत सुंदर है, बहुत actually sexy है. अब इससे ये dress बहुत sexy है. ये देखो ये पूरा कट ऐसे यहाँ से पूरा कट है, पीछे backless है. नो डाउट बहुत हॉट दिख रहा है इसमें, बहुत सेक्सी भी है. बट इफ आई वुड सजेस्ट, मैं बोलूँ कि ये ड्रेस मत लेना क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अनकम्फर्टेबल यू नो व्हेन यू आर वेयरिंग दिस. अब देखो दोनों के बीच में ऐसे गैप है ना, ये दोनों के बीच में गैप है और ये जो है ना ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला ऐसे करके ये ऐसे ना, तो ये ऊपर ऊपर जा रहे हैं. मतलब अगर मैं हाई करूँगी या फिर अगर मैं डांस करती हूँ या फिर कुछ काम ये वो करती हूँ ना, तो ये ऐसा है ना, देखो यहाँ से ये ऐसा है ना, यहाँ से ये ऐसा 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 जा रहा है. तो इफ़ यू आर नॉट गोना वियर ब्रा, आपका दूदू दिख जाएगा, आपका बूब्स दिख जाएगा. एंड इफ़ यू आर वियरिंग ब्रा, इवन अगर आप ब्रा भी पहनोगे ना, तो ये ऊपर ब्रा दिख जाएगा, यहाँ से पूरा कट है. तो
दिस ड्रेस इवन दो इट्स वेरी हॉट पहनती हूँ, बहुत सुंदर लगता है, हॉट लगता है, सेक्सी लग रहा है, बट इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल. यू हैव टू कीप डूइंग दिस. ऐसे बार बार इसको खींचना पड़ रहा है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है ना, यहाँ से बार बार खींचना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर 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 जा रहे हैं, फिर आपकी ब्रा दिख रही है, तो ये ड्रेस थोड़ा अनकम्फर्टेबल है. अदरवाइज द कलर इज़ वेरी प्रिटी, कलर बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत सुंदर लगा, कलर बहुत सुंदर लगा और मेरे ऊपर बहुत अच्छा भी लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ओके. सो द लास्ट थिंग आई गॉट माई सेल्फ इज दिस top. It's a corset top. अब मैंने पहन के भी नहीं देखा इसको, एंड द कलर इज सो ब्यूटिफुल, इतना अच्छा कलर है. एंड मैंने ये साइज भी बहुत ज़्यादा मंगाया है, ये लार्ज साइज का है, तो पता नहीं मुझे आएगा भी नहीं आएगा, तो आई डोंट नो, अभी मैंने पहना भी नहीं है. तो बस यही है जितना भी मैंने खरीदा है आज. दिस इज अर्बेनिक हॉल. आज का वीडियो अर्बेनिक हॉल यही खत्म होता है. रात के 12 बजे है, मैंने सोचा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ. फिर मुझे याद आया कि मैंने अर्बेनिक से इतना सारा सामान खरीदा, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या लिया है. एंड इन सबसे ज्यादा मुझे सबसे फेवरेट कौन सा लगा, जो मेरी मनपसंद का हो गया, जो मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो है ये वाला पैंट, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा लगा. आई डोंट नो, मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला. एंड आई एम गोना वियर अ वाइट शर्ट, वाइट टॉप, इसके ऊपर वाइट टॉप पहनूंगा, ये बहुत सुंदर लगता है. दैट्स इट, खत्म हो चुका है व्लॉग, यही तक था. और आप सब लोग सो जाना आराम से. वैसे ये ब्लॉग में कल सुबह डालूंगी, तो एवरीवन हैव अ नाइस डे. और मैं अभी अपना ये क्रोसान खत्म करके सो जाऊंगा, इसको खा के फिर मैं सो जाऊंगा. बाय बाय बाय, खुश रहना, सतर्क रहना, खाना अच्छा खाना. एंड ऑल्सो अभी दिल्ली का थोड़ा सा गर्मी और गर्मी थोड़ा बढ़ चुका है अभी, यू नो इट्स आई गेस थोड़ा सा हाईएस्ट पीक पे आ चुका है जो गर्मी जो है ना. प्लीज़ गाइस स्टे होम. अगर आप लोगों को काम पे ना बाहर जाना है, कुछ भी जाना है, पानी का बॉटल लेके जाना है, स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा पीना, बहुत गर्मी है, ठीक है. बाय बाय.